अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं फन टाइम विद शायन एंड कंपनी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लिसनर्स खैरियत से होंगे। और लिसनर्स, मैं बिल्कुल एक हफ्ते की छुट्टी के बाद, यानी कि एक शो मैंने छुट्टी की थी पिछले हफ्ते, मैं नहीं आ सकी थी। मैं हमेशा हर शो पे कहती हूँ कि मैं जरूर आऊंगी जरूर आऊंगी, लेकिन मेरी एक आध छुट्टी हो ही जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरे आरजेज ने आज मेरे लिए कोई पनिशमेंट रखी है, तो मैं उनकी तरफ भी बढ़ती हूँ। और आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग का वीक कैसे गुजरा, क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए। और ये शो हमारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो ये शो है वो इस साल का आखिरी शो है। उसके बाद जो है वो फिर हम अगले साल आपसे मुलाकात करेंगे। तो अब मैं अपने को आरजे शायान को जो है वो बोलने का मौका दूंगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अच्छा बोलते हैं। तो शायान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आई एन यू, वेलकम, खुशामदीद। और अब मैं आगे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इतना कुछ उसने बोल दिया है, मेरी सारी लाइनें खा गई है। ये भूख से भूखी, इतनी भूखी है कि सारी लाइनें मेरी खा गई है। तो जनाब, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? जनाब, ठंड तो बहुत ज्यादा ही पड़ती जा रही है और दिसंबर वैसे ही इतना एक्सट्रीम लेवल पे होता है ठंड में, लेकिन अभी भी इतनी ठंड हो रही है कि बस बुरी हालत हुई हुई है ठंड से। तो यकीनन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आप हमें बता सकते हैं नई सुबह के प्लेटफॉर्म के जरिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई सुबह को, NAISUBAH, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट हमें बताइएगा कि भाई, कमेंट करके कि कैसा लगता है आपको हमारा शो, मजा आता है कि नहीं आता। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और अजीम हस्ती, जिसको मैं अजीम जरूर कहूंगा क्योंकि बहुत अजीम हस्ती हैं। एक तो इरम है, इरम को मैं नहीं कह रहा, इरम ये मत समझे कि मैं उनको अजीम हस्ती कह रहा हूँ। इरम तो है ही है हमारी, तो वो आपा है जो हमें हर दफा कहती है, मुझे याद दिलाती है कि भाई खुशो खुर्रम रहना है और भरपूर तरीके से जिंदगी को एंजॉय करना है। लेकिन एक और अजीम हस्ती हमारी दुनिया में पाई जाती है, जिनका नाम है लाइबा गानियानी। तो लाइबा कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, खुश हैं कि नहीं हैं? हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शायान, और मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप के क्या हाल है? और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि पहली दफा आपने मेरा नाम बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है। तो मुझे जो है वो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने शो पे इनवाइट किया। मैं बड़ा कम कम आती हूँ, मेरे लिसनर्स से काफी कम मुलाकात होती है। तो और मेरा पता नहीं क्यों 2 साल से यही हो रहा है कि मैं साल के एंड में आती हूँ। लास्ट टाइम मुझे याद है 2019 में मैंने जो शो रिकॉर्ड कराया था वो भी अक्सा के साथ करवाया था, और मतलब जो हमारा शो गया था। और उसके अलावा जो अभी जो मैं शो कर रही हूँ वो भी साल के आखिरी शो है। तो मतलब मैं जो है वो कहना चाहिए कि वो चांद होता है ना, न्यू ईयर का चांद, वो हूँ मैं फिलहाल आजकल 2 सालों से पिछले। आप दरअसल चांद नहीं है, आप दरअसल चांद नहीं है, आप शो स्टॉपर हैं, आपको शो को स्टॉप लगा देते हैं। शो सही बात है। वो जो मॉडल नहीं होते आखिरी एंड में आते हैं, शायद उसी का रोल मैं प्ले कर रही हूँ 2 सालों से। चलिए, दैट्स वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। हाँ बिल्कुल, आप अच्छा अभी बोलना है, आपने मजीद बोलना है? नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं बोलना, जाहिर है मुझे पता है आपने फिर भी खामोश कराना ही है, तो मैं खुद ही हो जाती हूँ ना। मैं समझ रहा था कि अभी आप बस खामोश हो गई, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। तो इरम आप कैसी हैं, आप बताएं। लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि तमाम ही लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने अपने जिंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। लिसनर्स, ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो शायान है वो बहुत एक्टिव रहते हैं मेरे ये कहने से कि जी वो पूरा फिर जो नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला होता है तो फिर वो सोचते हैं कि उन्हें कहाँ घूमना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें कहाँ जाना है। तो ये उनके लिए है, और बाकी तो सब कुछ शायान और अक्सा बता चुके हैं कि किस तरह हमें सुन सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइबा जो हमारे शो का गेस्ट हैं, इन्हें मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूं, और उम्मीद है कि तमाम ही लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने इस साल के आखिरी दिनों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे और इंजॉय करने की मजीद कोशिश भी कर रहे होंगे। तो जी लिसनर्स, बिला ताखीर के हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल विदाउट लड़ाई झगड़े के।
मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर जब आपने अभी खुशामदीद बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वाकई मार पड़ने वाली नहीं, क्योंकि आप जैसे शायान ने कहा ना कि आप शो स्टॉपर हैं, तो इसलिए मैं आपको बड़े मतलब रिस्पेक्ट दे रही हूँ ना कि आप कभी कभी शो में आती हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे एक्चुअली सच में बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि इतनी रिस्पेक्ट मेरी है, क्योंकि मुझे पता है साल में पूरे साल तो घर वालों से रिस्पेक्ट मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब इधर ही आ जाते हैं रिस्पेक्ट लेने के लिए, तो बहुत शुक्रिया, पता लग रहा है बहुत रिस्पेक्ट है मेरी। तो नहीं लाइमा, बात पता है क्या है, आप जो है ना साल में मतलब साल के आखिरी दिनों में आके शो रिकॉर्ड कराती हैं, मतलब पूरे साल आपको कुछ पता ही नहीं होता कि भाई आपको शो भी करना है नहीं, तो जब आप पूरे साल के एंड में आके शो रिकॉर्ड कराएंगी, किसी भी शो को रिकॉर्ड करेंगी, तो भाई आपको हर कोई रिस्पेक्ट देगा। भाई मैं इसका जवाब देता हूँ। होता ये है कि जब मतलब कोई बेटी घर पे होती है ना, तो घर पे उसको बड़ा सुनाई जा रही होती है, अम्मी की तरफ से भी सुन रही होती है, भाइयों की तरफ से भी सुन रही होती है, लेकिन जब वो ससुराल चली जाती है और फिर कभी कभार लेके आती है ना, तो उसको बड़ी कम मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी बेटी है जो कि ससुराल से कभी कभार लेके आती है, इसलिए इसको रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं। क्या कहती है साहब? बिल्कुल सही बात है कि ये आपने बिल्कुल सही जो है वो बात करी है कि लाइबा जो है ना बिल्कुल हमारी बेटी है, और भाई हमारे साथ हमें तो मदरसे के साथ साथ मैके का भी कॉम्प्लीमेंट मिल गया शायान। शायान मैंने अभी अभी जो है वो अक्सा का एक अक्सा ने अभी अभी एक बोला एक पता नहीं लफ्ज कहेंगे या जुमला कहेंगे, अक्सा ने अभी बोला करी, तो अब आपने अक्सा को तो कुछ नहीं बोला, वरना तो आप मैं तो कुछ बोल लूं तो आप मुझे कह देते हैं इरम ने ये बोल दिया, तब आपने अक्सा को क्यों नहीं पकड़ा? बात करी तो बात की होता है ना, की होता है भाई, मैं किस किस को बोलूं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी कि भाई मेरी पिछले हफ्ते तो कोई छुट्टी वट्टी होती, इसकी सजा तो नहीं है ना भाई, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मुझे सर्दी में आप लोग कोई सजा देंगे तो। सजा है, आज आप सबर करें, आज पूरा शो ही पनिशमेंट है आपके लिए ना, मतलब आपने छुट्टी क्यों की, आए दिन छुट्टी होती है। शायान प्लीज आप बचा लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं लेकिन लेकिन एक पनिशमेंट है जो आप अभी जो है वो ऑफ एयर शो के बाद पूरी कर देंगी, अगर मैं ऑन एयर अनाउंस कर दूं तो, क्योंकि ऑन एयर अनाउंस करूंगी तो लिसनर्स भी सुन लेंगे, फिर तो आपको ऑफ एयर जो है वो पूरा करना पड़ेगा ना जो हम कहेंगे। बिल्कुल लिसनर्स की खुशी के लिए मैं जो है वो कुछ भी कर सकती हूँ। वाओ दैट्स ग्रेट, चले ठीक है, आपकी पनिशमेंट जो है वो आपको ये मिलेगी कि आप हमें शो के बाद ना कहीं बाहर खाना खाने के लिए लेके जाएंगी, बताएं लेके जाएंगी। सॉरी मैंने तो लिसनर्स की खुशी की बात की है, तो मैं लिसनर्स को क्यों ना खाना खिलाने लेके जाऊं? इतने देखो 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 मेरी बात सुनिए, इसलिए बोल रही हूँ लिसनर्स तो ढेर सारे ना, ज़ाहिर सब तो नहीं आ पाएंगे, फॉर्मेलिटी चेक कर रहे हैं आप लोग। मैंने तो पहले ही आपको कह दिया था कि मैं लिसनर्स की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती। देखें तो नई सुबह उन्हीं को खिलाऊंगी, ये जो हमारा चैनल है ना नई सुबह, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने देखा काफी लोग है भाई जिन्होंने नई सुबह सब्सक्राइब किया हुआ है, तो अब इतने सारे लोग अगर आ जाएंगे तो अच्छा, इससे अच्छा ये नहीं कि आप हम तीन लोगों को खाना खिला दें यार। चले भाई एक काम करते हैं, मांडोली कर लेते हैं, मतलब चुप छुपा के कुछ ना कुछ कर लेंगे, चुप कर जाएं, बस छोड़ दें। 800 शायान कूद के आ गए बीच में, 800 से प्लस सब्सक्राइबर है हमारे, तो मसले मसाइल हो जाएंगे एक्सा के लिए, आप हम सेपरेटली डील कर लेंगे। अच्छा मैं बताना चाहूंगा कि लास्ट शो में मैंने एक सवाल किया था जो कि मैं अब लाइबा से भी करूंगा, लेकिन पहले मैं अपने जो लिसनर्स हैं उनका फीडबैक शामिल करता चलूं। हमारे साथ रुमान सलीम हमें सुनते हैं, उन्होंने फीडबैक दिया कि जी अगर उनको 1 करोड़ रुपया मिले तो सबसे पहले तो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा और फिर मैं ढेर सारी गेम्स खेलूंगा। देखे कितना बंदा बड़े दिल का है कि गेम्स में पैसा उड़ाना चाहता है, चेक करें आप। शायान जैसे मेरा वाला जवाब किसी ने नहीं दिया जो मैंने आपको लास्ट शो में जवाब दिया था, आप तो भाई बंगले बनाने का तुली भी थी, 1 करोड़ बंगले और गाड़ी वाला। हाँ गाड़ी वाला भी बिल्कुल लाइबा, इसका सवाल का जवाब था कि जी ये 1 करोड़ रुपए में 3-4 गाड़ियां खरीदेगी, उनको कढ़ाई पे चढ़ाएगी और फिर उनसे पैसे कमाएगी। वाह यार चेक करें आप।
अब एक काम करें लाइबा, आप बताएं कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए आपकी जिंदगी में तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे मिल जाए तो अच्छा सवाल है वैसे। अगर 1 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया तो मैं जो है वो सबसे पहले तो क्या करूंगी? मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, कोई मसला नहीं, मैं ले लूंगा। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं शायान। वो माइक भी ओपन नहीं था, मतलब मैंने माइक ओपन करके बोला है। ओए होए होए होए, बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। एक मिनट मेरी बात सुने। सबसे पहले अगर 1 करोड़ रुपया आ गया ना तो मैंने ये लगाना है फीलिंग हैप्पी, 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर इन माय अकाउंट। ये और साथ ही मैसेज आना है काइंड, साथ ही मैसेज आना है काइंडली रिपोर्ट इन द नैब ऑफिस। फौरन से पहले ये मैसेज आ जाए। क्या बात है, यानी शायान आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दी। आपने भी लिसनर्स के सामने मतलब ऑन एयर बोल दिया, अब तो सबने सुन लिया, अब सोचे हैं ये कैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कराएगी, ये भी बड़ी तेज है। 1 करोड़ रुपया आ गया तो देखिए, इससे बोला भी नहीं जा रहा है, 1 करोड़ रुपया बोल रही है, 1 करोड़ रुपया बोल रही है, कब से मुझे बोला भी नहीं जा रहा है 1 करोड़ रुपया। नहीं नहीं, पैसों की तादाद बहुत ज्यादा है ना, रकम बहुत बड़ी है। मेरी बात सुने, लफ्जों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। मेरी बात सुने, 1 करोड़ रुपया अगर आ गया तो आधे से ज्यादा तो गवर्नमेंट ने टैक्स काट लेने ना, तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचना। 50 लाख रुपया आएगा, उससे क्या करूंगी मैं? छोड़ो 50 लाख। अच्छा चलो, आप भी 4 गाड़ियां खरीद के किराए पे चला देना। गाड़ी आपने ये नाम सुना होगा, वो जो बड़ी वाली होती है जिसमें 2-4 सीटें होती है ना, वो खरीद लूंगी मैं। सही, उसमें हम सब मिलके घूमने जाएंगे। मैं तो कहता हूँ 10-15 गधा गाड़ियां लगा लेके ना, खरीद के उसको किराए पे चढ़ा देना। बस शायान आप अच्छा नहीं करने देखिए। अच्छा, यही सवाल जो लाइबा से किया था और पिछले शो में शायान ने मुझसे किया था, तो अब मैं यही सवाल अक्सा से करूंगी कि अक्सा, अगर आपको 1 करोड़ मिले तो आप क्या करेंगी? पहले तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि भाई मुझे 1 करोड़ तो मिलेंगे। यकीन कर कितनी कंफ्यूज हुई हुई कि हाँ क्या मैं मुझे भी मिल सकता है? हाँ तो जाहिर है ना, पहले यकीन करना चाहिए ना, और जब यकीन होगा हाथ में पैसे आएंगे तभी डिसाइड करूंगी ना कि भाई क्या करना है। यार देखो, खुदा की जात बहुत बड़ी है, खुदा पे यकीन रखो, तुम्हें जरूर 1 करोड़ मिलेगा, बस तुम इसका जवाब दोगे करोगी क्या? भाई मैं अच्छा चलो, अगर चलो यकीन कर भी लेते हैं तो 1 करोड़ का क्या करना है? 1 करोड़ का जाहिर है, मैं अगर पॉजिटिव आंसर सुनना चाहते हो तो लोगों की खिदमत, क्योंकि जाहिर है हम जब दूसरों के काम आएंगे तो ही जो है वो हमें अच्छा लगेगा, और मैं तो चाहती हूँ, मेरा मकसद है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। तो अगर 1 करोड़ से किसी का भला हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा तुम ना एक काम करना, उसमें से 50 लाख मुझे दे देना, ताकि मैं 2 गाड़ियां मजीद और ले लूँ अपने 1 करोड़ में को भी मिला के। अगर नहीं, अगर आपको फजूल खर्चियों के लिए पैसे चाहिए तो कभी भी नहीं दे सकते। देखिये, मैंने 2 गाड़ियां खरीदनी है, प्लीज मुझे 50 लाख मुझे दे देना, लोगों की खिदमत करनी है ना आपको, तो मैं भी तो लोगों में शामिल हूँ। आप तो अगर आप वो गाड़ियां फ्री में आप लोगों को देंगे तो मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि आप किसी गरीब को फ्री में आप दे दे तो चलो, लेकिन आप तो किराया लेंगे तो फिर क्या फायदा? कोई नहीं, चलिए जी। अच्छा वैसे आज जो है वो शायान, आपके शो पे इतने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, आज कोई नहीं आया, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल मौजूद, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमारे शो में गेस्ट ना हो। गेस्ट तो है, गेस्ट तो लाइव है, कैरेक्टर की बात हो रही है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, इरम तो 50 लाख रुपए अक्सा से ऐसे मांग रही है जैसे कोई बच्चा चीज के लिए 50 रुपए नहीं मांगता कि पापा 50 रुपए देना मुझे वो चीज। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे साथ यार अक्सा की बात। हाँ बोले इरम। मैं कह रही थी कि अक्सा ने कहा, अक्सा की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ना, कि ये लोगों की खिदमत करना चाहती हैं, तो मैंने कहा मैं भी तो लोगों में शामिल हूँ। तो यार 50 लाख मुझे दे देना, 50 करोड़ कह रही हूँ मैं, मतलब 1 करोड़ अभी आया नहीं है। नहीं, आप लोगों में तो जरूर शामिल है, लेकिन आप फजूल खर्चियों में बहुत शामिल है।
भाई ऑफ ईयर कर लेंगे, मामला सेट कर लेंगे, एक दो लाख रुपए दे के मामला सेट कर लेंगे। अभी हम चलते हैं अपने कैरेक्टर की तरफ। तो आज हमारे साथ बिल्कुल एक बड़ी ही मजेदार सी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनसे बात करेंगे, तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा और मुझे तो आएगा ही आएगा। तो ये भी मेरी ही बुलाई हुई है, तो हम वेलकम करते हैं मिस हीरा, हमारे साथ मौजूद है मिस हीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, हु आर यू एवरीवन? हैं हु आर यू एवरीवन? हु आर यू? हम तो आरजेस हैं। हैं हु आर यू? अरे बड़े सोचने वाले, हमने स्कूल हमने शो पे प्रमोशन के लिए बुलाया और आप हमें ही भूल गए। हु आर यू? मेरा मतलब जो आपने पूछा, हु आर यू, सो हु आर यू? अच्छा अच्छा, मुझे हाँ मुझे समझ आ गई है। अक्सर इरम ये कह रही है हाउ आर यू, बिल्कुल बिल्कुल जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, मजे में। हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू? यस मी, ओके फाइन। ओह दैट्स ग्रेट। इरम साहब मुझे बताएं कि आप यकीनन फिट एंड फाइन होंगी। जी आई एम नॉट 100% फाइन, आई हैव सम फ्यूल इन माय नोज। Fuel in my nose? Fuel? मतलब मतलब नज़ला सुखाम, you don't know? मुझे लगा शायद गाड़ियों के अलावा इंसानों में भी फ्यूल डलता है। वो गाड़ियों वाला दूसरा होता है, ये नोज वाला फ्यूल है। अच्छा तो क्या नाम है आपका? हीरा है या मीरा है शायान? ये कंफर्म करें पहले। हीरा। अच्छा अच्छा ठीक है। हीरा जी आप ये बताइए कि आपको आज हमारे शो में आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अमेजिंग लग रहा है, मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। Excited? अच्छा मुझे नहीं पता था आपकी फीलिंग एक्साइटेड होती है, हम तो एक्साइटेड होते हैं। Yes, I mean sin, you like. अच्छा वैसे एक बात बताएं, आपने इंग्लिश सीखी कहाँ से? मतलब कौन सा बंदा है जिसने आपको ये इंग्लिश सिखाई है, पहले तो मुझे ये बता। असी गवर्नमेंट स्कूल दे बच्चे थी। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल, मुझे नहीं पता था कि गवर्नमेंट स्कूल। You better know my English. I have learned from different America's like teachers. ये इन्होंने बड़े गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी अमेरिकन टीचर्स पढ़ाते हैं, मुझे आज पता चला। इसीलिए हीरा जी की इंग्लिश बहुत नाइस है। या यू आर जोरी जोरी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द डायमंड। यार वैसे एक बात बताए ना, हीरा जी बात सुने, ये आपकी अम्मा ने आपका नाम हीरा क्यों रखा? वैसे मतलब क्या सोच के आपका नाम हीरा पड़ गया था? Like when I born, so my mother was like, my mother asked to my father to give like diamond in gift, so he gifted me, so that was like Hira, that's why I'm Hira. Oh my God, मुझे नहीं पता था बचपन से आपको diamond की भी समझ थी। अच्छा बचपन से आपको पता था Hira क्या होता है? Yes, I am 24/7 intelligent, that's why. Oh my God. अच्छा हीरा जी आप एक बात बताइए कि मतलब आप क्या करती हैं इस वक्त, आपकी क्या मसरूफियात हैं? You better know I'm the actor and actor has many like मसरूफियात, so I'm very मसरूफियात। अच्छा हीरा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या पसंद है बहुत ज्यादा, या क्या करना पसंद करती हैं जिसमें आप बहुत अच्छा फील करती हैं? I feel everything with my heart. मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं हर चीज अपने heart से करूँ, बहुत ज़्यादा heart से करूँ, बिल्कुल ना। So I do everything with my heart. Actually nowadays I have fuel in my nose, so I cannot do anything. So I was like, last night, yesterday I took bullet, but it's like not. आपने कौन सी बुलेट ले ली थी हीरा साहिबा, मुझे ये बता दीजिएगा।
very amazing Pakistani famous bullet of Panadol. अच्छा बस एक बात बताएं मुझे हीरा बाजी सुननी है. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इंसान से ज्यादा रोबोट. Don't call me baji. I'm not. मतलब मैंने ये सवाल पूछा है कि मुझे आपकी मतलब आपकी पर्सनालिटी से रोबोट वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है, इंसान कम लग रही है आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. I'm very hard doing. I do hard do so. I'm like robot hard doing person. अच्छा और मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही है, मतलब इनकी आवाज सुन के जैसे ये वो जैसे लाइक बहुत बुढ़े नहीं हो, बुढ़िया नहीं होती जैसे 50-60 साल की जो बुढ़ी औरतें होती हैं वैसे वाली मुझे फीलिंग आ रही है इनकी हीरा जी की आवाज सुन के. तो ऐसा क्यों है हीरा जी. I have told you before, I'm hard doing person. हार्ड डूइंग का मतलब भी समझा दे, मुझे समझ नहीं आ पा रहा अभी तक हार्ड डूइंग का मतलब क्या है. हाँ बाकी हार्ड डूइंग का मतलब क्या, मैंने हार्ड वर्किंग सुना है आपने, कौन सा वर्ड. सेम लाइक आई डू वर्क हार्ड सो दिस इज हार्ड डूइंग. यू बेटर नो, आई नो इंग्लिश, यू बेटर नो दिस. अच्छा वैसे एक बात बताएं हीरा जी, मतलब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो इंग्लिश वाले होंगे वो भी शायद आपसे कहीं ना कहीं खुश होते होंगे क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया नया इन्वेंट कर रही होती हैं इंग्लिश में. मतलब ऐसा हुआ है किसी इंग्लिश वाले ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है कभी. एंड यू नो आई एम वेरी फेमस गुलाबी इंग्लिश नाम से, सो इट्स क्वाइट इज़ वाली बात मिली, यू नो अवार्डेड थिंग फॉर मी. अच्छा वैसे हीरा जी मुझे नहीं पता था कि आपने इंग्लिश के रंग भी इन्वेंट कर दिए गुलाबी इंग्लिश. वैसे क्या कहते हैं शायान, आपने कभी इंग्लिश के कलर सुने, काली और सफेद इंग्लिश भी होती है क्या. नहीं मैंने तो वैसे कभी मैंने कभी नहीं सुने, लेकिन मेरा भी सवाल है इनसे. हीरा साहिबा एक बात बताएं कि आपको पसंद है, खुशबू पसंद है आपको. Yes, I love If 32. हैं If 32? Oh my God, ये लायबा ये क्या है? If 32 ये कौन सा परफ्यूम है? If 32? सुनो. ओ कुड़िये, अगरबत्ती. Oh अच्छा. If 32 अगरबत्ती. सही है भाई सही है. शायान वैसे ये जो अगर ये जैसे इन्होंने बोला If 32 यानी अगरबत्ती, ये कौन सा परफ्यूम है वैसे. मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है, इनसे ही सुना है. आप मुझे किसी को पता है क्या. मैं बताऊंगा अगरबत्ती का, अगरबत्ती मैं परफ्यूम बताऊंगा कौन सी है. अक्सर आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे. जी तो मैं बस इनसे यही पूछना चाहूंगी कि ये हमारे लिसनर्स को अपना मैसेज क्या देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा बोल रही हैं और मुझे सुन सुन के बहुत मतलब हंसी भी आ रही लेकिन अच्छा लग रहा है. फर्स्ट टाइम इनको इस तरह सुनने का जो है वो मौका मिला है. तो लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगी आप. लिसनर्स से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी गॉड ब्लास्ट यू, बहुत अच्छा शो करते हैं आप लोग, बहुत अमेजिंग. गॉड ब्लास्ट यू. मतलब आपको खुदा अपनी रहमत नवाजे दिस काइंड ऑफ. अच्छा अच्छा जी जी हीरा जी बहुत शुक्रिया. अच्छा कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को. यस मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश बहुत अच्छी चीज होती है और अगर आपको दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छा दिखना है या लाइक यू नो टू शो योर पर्सनालिटी सो यू नो अबाउट द इंग्लिश एंड इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. उर्दू से मोहब्बत करें और इंग्लिश को भी सीखें. थैंक यू. थैंक यू ओके जी जबरदस्त. तो जी लिसनर्स उम्मीद है कि आपने हमारी आज की कैरेक्टर जो थी उनके साथ बहुत ही इंजॉय किया होगा. यकीनन हमने तो जो है स्टूडियो में बैठ के बहुत इंजॉय किया है हीरा जी के साथ. बहुत मजे मजे की बातें सुनने को मिली और हमने काफी इनसे मजे मजे के सवालात भी किए. तो मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया इनके साथ बातचीत करके. आई होप सो कि लिसनर्स आपको भी बहुत मजा आया होगा. तो इसी के साथ जो है वो अब हमारे शो का टाइम भी खत्म हो रहा है. तो अब हम सब चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर
हम लोग मिलेंगे आपसे अगले किसी शो में, और वो जो अगला कोई शो होगा हमारा वो होगा अब न्यू ईयर पे। तो मैं और मेरे तमाम आरजेज और हम सबको रखिएगा अपनी दुआ में याद, और मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, मिलूंगी फिर किसी अगले शो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का रखिएगा ख्याल, मुझे और मेरी तमाम टीम को रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। ओके जी, तो हमारे इस साल का आखिरी शो था ये, और अब हम आपसे अगले साल के शो में मिलेंगे। और जो है वो आज का शो जो है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि आखिरी था और हमने मिस हिरा से मुलाकात की, और उनकी जो अंग्रेजी थी वो मुझे बहुत पसंद आई, स्पेशली ब्लास्ट, गुड ब्लास्ट, उन्होंने ब्लास्ट यू बोला तो बहुत अच्छा लगा। खैर, और आप इंग्लिश सीखिए, और अगर आप मिस हिरा की तरह सीखेंगे तो और ही मजा आ जाएगा, थोड़ा सा फन भी क्रिएट होगा। एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत शुक्रिया मिस हिरा यहाँ आई और हमें जो उन्होंने हंसाया और बहुत सारी बातें भी उन्होंने बताई। एंड फिर मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाजत, तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपसे किसी अगले शो में। तो तब तक के लिए मेरी जानिब से आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज। हाँ जी, लगता है सबने मुझे ना वो डिसोन कर दिया भाई, मतलब शो स्टॉपर का मुझे अच्छी तरह पता लग रहा है कि वाकई मैंने शो स्टॉप कर दिया। तो नहीं 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 लाइबा, ऐसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शो स्टॉपर हैं तो शो स्टॉप आप ही करेंगी, और बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बोला नहीं था, मैं अभी बाकी हूँ, मैंने अभी बाय बाय करना था। तो जनाब आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आई, और कभी कभार अपने शो को भी रिज्यूम कर लिया करें भाई, आपके भी शो आते थे ठीक है सबका साथ पे, तो हम लिसनर्स भी आपकी आवाज जरूर सुनना चाहेंगे, बड़ी प्यारी सी सुरीली सी आवाज है, तो अपने शो को वापस रिज्यूम करें। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। लिसनर्स आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें पूरे साल बर्दाश्त किया, उम्मीद करते हैं कि आपको हम एंटरटेन करने में कामयाब रहे होंगे। आइंदा आने वाले साल में भरपूर एनर्जी के साथ, मजीद नेक तमन्नाओं के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, इसी दुआ के साथ कि जाने वाले साल की तरह आपकी ज़िंदगी से तमाम जो क्या कहते हैं दुख हैं वो चले जाएं, और आने वाले साल की तरह नए साल की तरह नई आपकी ज़िंदगी में उमंग पैदा हो, खुशियां आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। थैंक यू सो मच शायान, बहुत शुक्रिया, आखिर में मेरे पास मौका आया पर आपने एंड कर दिया शो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबॉडी, मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।